A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrahi, and on behalf of the whole ETUSHAN family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that ETUSHAN is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app, the Play Store. I am teaching you science, and the chapter we are reading is Materials, Metals and Nonmetals. And this is the second part. We've already completed one part of this chapter. And what we have read over there, humne wahan pe kya kya padha? Physical properties kya hoti hai metals ki aur non-metals ki? We read that. And uske saath humne periodic table ke baare mein padha. Metals kaise classify hue hain, non-metals aur metalloids. Usko periodic table ke matlab kisne nikala tha? डिमिट्री मेंडलीव ने निकाला था 1869 में. उनकी जो स्टडी है वो पब्लिश हुई थी. ठीक है, और हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स हैं. व्हाट आर नॉन मेटल्स? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन. ठीक है, ये सब है नॉन मेटल्स. तो हमने इनके बारे में पढ़ा था प्रीवियसली, हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस. तो आई होप कि आपने उन्हें क्लासीफाई प्रॉपरली कर लिया होगा अपने तरीके से, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्टडी. ठीक है, चलिए उस होप के साथ हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे? टुडे विल बी रीडिंग only a single topic, that is chemical properties of metal. okay, तो metal की क्या chemical properties होती है? अब जब metal react करेगा with any of the chemicals, तो वो कैसे react करेगा, कैसे behave करेगा? okay, so आज हम बस chemical properties metal का पढ़ेंगे. तो चलो ज़्यादा time waste नहीं करते हुए शुरू करते हैं. तो first of all, if मैं एक metal लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम. जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, पांच एग्जाम्पल्स देखो आपको दिख रहा होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन. ठीक है, अब ये जितने भी मेटल्स हैं, राइट, इन मेटल्स को अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है? दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो इसका एक कॉमन एग्जांपल आपके घर पे होगा, रस्टिंग होती है आपकी. जैसे कि आप अगर आयरन को छत पे डाल दो बहुत समय के लिए, तो क्या होता है? एकदम जंग लग जाता है. जो ये जंग होता है वो ऑक्साइड होता है. ठीक है, जब यही आयरन जब वाटर के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में, तो लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम के बाद तो वो रस्टिंग होने लगती है. वही सिल्वर कलर ऑफ आयरन जो होता है वो क्या बनने लगता है? रस्ट बनने लगता है, ब्राउन हो जाने लगता है. तब क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो होता है फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, यही आयरन अब ऑक्साइड बन जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ मिलता है. तो हम इसको डिटेल्स में विद सम एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे. तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन बनता है. ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. आइदर मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इवॉल्व होता है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद दैट ऑफ वाटर, इट गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं. सोडियम लेते हैं, Na. जब हम Na को, सोडियम को रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसको? वाटर के साथ. दीज आर ऑल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. ओके, स्कूल में आप लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में ये आप डिटेल में पढ़ोगे. आप सोडियम, आपको सोडियम दिया जाएगा, सोडियम को वाटर में आपको डालना है. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम विल बी सीइंग ये जो होता है आइदर ये एक्सोथर्मिक है. ओके, आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ. तो आप जब हीट सप्लाई करोगे, यानी वाटर के साथ आप जब कोई भी मेटल को रिएक्ट करवाओगे, तो आइदर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद दैट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व. तो जब मैं सोडियम को रिएक्ट करवाती हूँ वाटर में, मेरे को क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, आई एम गेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओ एच एंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड
एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड. ओके, डोंट फॉरगेट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम के केस में हाइड्रोक्साइड इवॉल्व हो रहा है. तो कोई कोई मेटल में हाइड्रोक्साइड निकलेगा और कोई कोई मेटल में ऑक्साइड्स निकलेगा. ऑक्साइड्स में खाली ओ लगा होता है, उसके साथ जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लगेगा, और हाइड्रोक्साइड में वही है. हाइड्रोक्साइड का एब्रिवेशन है OH और ऑक्साइड का है O. तो सोडियम के साथ वाटर रिएक्ट करने पे NaOH बनेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद दैट ऑफ H2 विल बी बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. फाइन, पोटेशियम ले लो. पोटेशियम के साथ भी अगर वाटर को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2. नेक्स्ट कैल्शियम को रिएक्ट करवा लो. कैल्शियम के साथ आप वाटर को रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2. ओके, सो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CaOH होल 2 है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दी फॉर्मूला, ये लिखने को आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम के केस में भी हाइड्रोक्साइड हो रहा है. तो वी सॉ 3 एग्जाम्पल्स वेर मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कमिंग. ओके, लाइक इन सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम और आयरन. एल्यूमिनियम और आयरन के केस में क्या मिल रहा है हमको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है. ओके, वी आर गेटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, Al2O3 प्लस H2. फाइन, एंड द अदर वन इज Fe, दैट इज आयरन. वन वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तो हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड. ओके, फेरस ऑक्साइड भी मिलता है और फेरिक ऑक्साइड भी मिलता है. कौन सी केस में कैसे मिलता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन. ओके, समझ गए. तो वही हो रहा है कि आइदर मेटल ऑक्साइड निकल रहा है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड निकल रहा है अलॉन्ग विद दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो हमने वाले पहले वाले में पढ़ा रिएक्शन विद वाटर. जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आइदर वो हाइड्रोक्साइड देता है या फिर ऑक्साइड देता है अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस. नाउ वही मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या देगा, चलो पढ़ते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जो वाटर के साथ भी आइदर मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड दिया था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में बस मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर है आपके पास, कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन में मतलब एक्सपोज कर दो, छोड़ दो, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो होता है आपको हीट देना पड़ता है. ठीक है, कॉपर को हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, वो कंबाइन करेगा. जब हम हीट करेंगे तो हीट में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, तो दैट विल बी कंबाइनिंग विद दैट ऑफ कॉपर एंड विल बी गिविंग राइज टू कॉपर ऑक्साइड. एट द सेम टाइम यही एल्यूमिनियम जब आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करके बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द थर्ड वन इज रिएक्शन विद एसिड. अब हम एसिड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, क्लोराइड. ओके, अब जैसे कि आपको पता है वाटर के केस में आइदर मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद H2 निकला था, दैट इज हाइड्रोजन. When we reacted it with oxygen, it gave metal oxide. But reaction with acid ke case mein, it gives metal chloride along with hydrogen. ठीक है? Example, any same sodium ko react karwayenge with that of HCl, that is hydrogen chloride, and it will be giving rise to NaCl, that is sodium chloride plus H2. ठीक है? That is hydrogen. Same. Zn, zinc को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, ZnCl2 plus H2, that is zinc chloride. वैसे मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करवाने से क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. एंड आयरन को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनेगा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें एसिड के साथ रिएक्ट करवाने में किसी भी मेटल को हम एक मेटल क्लोराइड पा रहे हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. समझ गए, फर्स्ट वाटर में हमने क्या किया, वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो आइदर मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड निकला अलॉन्ग विद दैट ऑफ हाइड्रोजन. जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो मिला मेटल क्या, मेटल ऑक्साइड. और जब हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. ऑलराइट,
समझ में आ गया कि कौन से केस में क्या इवॉल्व होगा, उसी हिसाब से आप रिएक्शन लिख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो मेटल सॉल्ट्स बनता है, यानी मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी आपका पर्टिकुलर मेटल क्लोराइड है वो एक फॉर्म ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, NaCl हम जो सॉल्ट खाते हैं वो नमक जो होता है वो क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ माइल्ड सॉल्ट, दैट इज अ सॉल्ट। ओके ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब मेटल्स को हम मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, चलो। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो 9th-10th में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्लेस हो जाना, मतलब सपोज एक बेंच में आप और आपका फ्रेंड डेली बैठते हो फ्रंट बेंच में। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है कि एक नई फ्रेंड आ जाती है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड क्या करता है कि आपको पीछे वाली सीट पर बिठा देता है और उसका जो नया फ्रेंड होता है उसको वो आपके सीट में बिठा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिस्प्लेस हो गए हो, आप पीछे वाले सीट पे चले गए हो और आपकी जगह जो है वो उस दोस्त ने ले ली है। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप डिस्प्लेस हो गए हो यानी आपको निकाल दिया है। ठीक है, आपको अलग कर दिया है और किसी को लिया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप मेटल्स को एक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो, व्हाट हैपेंस, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो जैसे आपका दोस्त आपको डिस्प्लेस किया, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो आप लेस रिएक्टिव मेटल थे और आप वो जो नया दोस्त आया वो मोर रिएक्टिव मेटल था। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने आपको डिस्प्लेस कर दिया, उस आपकी जगह उसने ले ली। ठीक है, तो मेटल्स के केस में भी क्या होता है कि जो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, वो लो रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। ठीक है, और क्या बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एग्जांपल, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव को मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब आप पूछोगे कि अब हमें पता कैसे चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, वो ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप आगे फर्दर क्लासेस में जानोगे, ये भी पीरियडिक टेबल में ही क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे आप जैसे ऊपर से नीचे जाओगे वैसे मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव होगा, यानी ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको पीरियडिक टेबल अभी फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन आप फर्दर क्लासेस में 9th-10th में आपको पीरियडिक टेबल थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिमेंबर कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो ये ऑलरेडी सब क्लासीफाई किया गया है पीरियडिक टेबल जो कि डिमिट्री मेंडलेव ने बनाया हुआ था। ठीक है, 1869 में, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था। तो यही वाला जो है वो ऑलरेडी क्लासीफाई करके गए हैं, उन्हीं उसी हिसाब से मेटल्स को सजाया गया है टेबल में और ऊपर से नीचे कौन रिएक्टिव ज़्यादा है कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो वो सब आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, बट अभी ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स का यही समझो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को जगह ले लेता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, सॉल्यूशन, तो अगर आप एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देख रहे हो तो मैग्नीशियम जो होता है Mg+CuSO4, तो ये क्या होगा, Mg और सॉल्ट दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सल्फेट और मैग्नीशियम और कॉपर को बाहर फेंक देंगे। ठीक है, सेम जिंक का अगर देखेंगे, जिंक प्लस CuSO4, तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है, सल्फेट है और उसके साथ कॉपर है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक के साथ आप रिएक्ट करोगे तो जिंक उसकी जगह लेगा, ZnSO4 और Cu बाहर। मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो फिर Cu बाहर, MgSO4। ठीक है, आयरन के साथ रिएक्ट करोगे तो भी सेम होगा, FeSO4 और Cu बाहर। यानी कि हर एक में हमने देखा कि CuSO4 के साथ हम जब रिएक्ट करवा रहे हैं और थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर और सल्फेट दोनों साथ में थे, अब जुदा कर दिया क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त थे कॉपर और सल्फेट। ठीक है, अब मैग्नीशियम आ गया, वो ज़्यादा अच्छा दोस्त है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो सल्फेट उसके साथ चला गया और जो कॉपर है उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा, इन दिस एग्जाम्पल हमने देखा। अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, ये देखो
रिएक्टेंस ऑफ रिएक्शन, तो एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उसी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर और सल्फेट दोनों दोस्त हैं, एक ही बंच में एक ही टेस्ट ट्यूब में रहते हैं, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। उसमें अब एक नया दोस्त आ गया उनका, चमक मस्त मतलब बढ़िया वाला दोस्त है, उसका नाम है मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम पाउडर को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो एक रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, अब कॉपर ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं रहा क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो क्या हुआ, यही जो ब्लू कॉपर सल्फेट है सोल्यूशन में उसका क्या हुआ, वो पूरा नीचे जाके पीसेस ऑफ कॉपर बन जाएगा, ठीक है, मतलब वो सेटल हो जाएगा नीचे और उसका जो ब्लू कलर होगा वो कॉपर की वजह से होता है, तो ब्लू कलर का जो कलर ही चला जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा वो सोल्यूशन और वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो जब कॉपर और सल्फेट थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब मैग्नीशियम नया मेंबर आ गया तो मैग्नीशियम ने दोस्ती कर ली सल्फेट से, कलरलेस हो गया, ठीक है, और कॉपर को उन्होंने नीचे सेटल करवा दिया। वही और एक एग्जांपल देखो, वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें हमने आयरन डाल दिया, ठीक है, वी पुट आयरन, तो आयरन अब ज़्यादा अट्रैक्टिव है कॉपर से, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, एक दो हफ्ते के लिए, देखोगे कि आपका जो आयरन होगा, ठीक है, कॉपर मेटल ऑफ आयरन, तो यहाँ पे जो होगा कॉपर उसके साथ लग जाएगा आयरन के साथ कॉपर, और ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट दोनों कंबाइन करते हैं और कॉपर को आयरन आयरन नेल में बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू सॉ टू रिएक्शंस इन विच कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद मेटल वेयर कॉपर इज द लेस रिएक्टिव मेटल एंड इज थ्रोन आउट, और जो हैवी रिएक्टिव ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो कॉपर की जगह ले लेगा। इन दिस टू रिएक्शंस इन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट, आपने देखा कि आयरन नेल के साथ क्या होगा, कॉपर चले ये हो जाएगा, जबकि आयरन सल्फेट सोल्यूशन में आयरन कहाँ जाएगा, आयरन जो होगा वो सल्फेट सोल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर जो होगा वो नेल में लग जाएगा, ठीक है। ओके सो दिस इज व्हाट वी रेड टुडे, द फर्स्ट थिंग दैट वी रेड वॉज क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल्स के, तो मेटल्स के प्रॉपर्टी हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड अलोंग विद दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा विद सम एग्जांपल्स, देन ऑक्सीजन के केस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। उसके बाद हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट्स बनेगा यानी मेटल क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। And the last one we read was when metals will be reacting with any type of salt solutions. ठीक है, तो जो high reactive metals होंगे वो जगह ले लेंगे low reactive metals के, ठीक है, और along with that क्या होगा, low reactive metal बाहर हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं displacement reaction. So we actually studied it with some examples. So I hope आपको समझ में आ गया होगा, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप comment section में पूछ सकते हो, I'll be definitely answering. ओके सो आप घर जाओ, इसको अच्छे से पढ़ो, आप इक्वेशंस लिखो, ठीक है, कौन कौन सा किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा वो देखो और इक्वेशंस लिख लो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट द इक्वेशंस, तो करके एक एक करके प्रैक्टिस करो सो दैट इट विल मच ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। ऑल राइट सो पहले क्या लिखो, सपोज आप लिख रहे हो मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है, तो आपको पता है मेटल क्लोराइड सॉल्ट होगा अलॉन्ग विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक दो एग्जाम्पल्स लिखो, इन दिस वे आप डेवलप कर लोगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा रिमेंबर करना, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। ऑल राइट अंटिल देन आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइलिंग, बाय।